देखिए बच्चों लोग, इसके पहले हम लोग कहानी ओम्स ला की पढ़ चुके हैं। अगर उसको आप में से कोई भी बच्चा न देखा हो तो आप क्या करें कि ओम्स ला करके जो है हमारा जो YouTube पर चैनल है उसको देख लें। देखिए आज जो हमारा टारगेट है वो कहानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी की। देखिए मैं आपको बार बार कहूंगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक चीज है, दोनों सेम। आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टिविटी बोले, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यही है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम रेजिस्टिविटी है। देखिए एक बात और बताना है, आप ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, जहां पर V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, और R जो है रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट को जो है रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका डिटेल मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था, पिछले वीडियो का थोड़ा सा हम पार्ट रिवाइज करेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो आपका रेजिस्टेंस होता है, ये पिछले वीडियो में है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब कहने का, अगर कंडक्टर का लेंथ हम बढ़ाते चले जाएं, रेजिस्टेंस बढ़ते चला जाता है। आपको पता है कि अगर हम, कई बार इस बात को आपके टीचर बताए होंगे, मैं बता रहा हूं, सपोज करिए कि मैं आपको दूध पिलाऊं और आप मोटे होते जा रहे हैं, इसका मतलब मेरा दूध पिलाना आपके मोटापा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। लेकिन अगर मैं दूध पिलाऊं और आप पतले होते जा रहे हैं, थिन होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब दूध पिलाना इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोटापा। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L। देखिए कहने का मतलब रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। यहां स्पष्ट है कि लेंथ बढ़ाया जाए, कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरी बात हमने पिछले वीडियो में किया था कि अगर रेजिस्टेंस जो है, सपोज करिए कंडक्टर का आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाते चले जाइए, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाते चले जाइए, बड़े बहुत अच्छी तरह बताया था, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। और जब ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं, आप एरिया क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर एरिया आप इंक्रीज कर रहे हैं कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसका मतलब R और M इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, R और M इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम दूध पिला रहे हैं और आप पतले होते जा रहे हैं, इसका मतलब दूध पिलाना मोटापा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक वही बात यहां पर भी, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। अब हम आपको एक चीज बताते हैं,
दो इक्वेशन आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए, दोनों को कंबाइंड रूप में हम लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और देखिए क्लास नाइन्थ में आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, ये बात याद कर लीजिए, चाहे वो कहीं भी न्यूटन सेकंड लॉ में हो या कहीं भी, मैं पीछे नहीं जाना चाहता लेकिन इतना बता दे रहा हूं कि अगर प्रोपोर्शनल हटता है, प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहां पर भी कांस्टेंट आर इक्वल टू रो एल बाई ए। प्रश्न उठता है कि ये रो क्या है, यही कांस्टेंट है, रो इज द कांस्टेंट, रो इज द कांस्टेंट, और इसी रो को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं, इसी रो को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। इट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाई रो, डिनोटेड बाई रो। अब मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो ये कहानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑब्लिक रेजिस्टिविटी की है तो हम उसके बारे में बताएंगे। तो अब देखिए इसी जो है जो आपको ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है उसमें हम लोग रोयल इज इक्वल टू आर ए लिख सकते हैं। देख लीजिए रोयल रोयल इज इक्वल टू आर ए, क्रॉस ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैं, देख लीजिए इट मीन्स रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। देखिए ये फार्मूला आप जीवन भर याद रखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर ए बाई एल, जहां आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ए क्या है एरिया ऑफ कंडक्टर, और एल क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ध्यान दीजिए आर दैट इज रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट ओम होती है, इसकी यूनिट ओम होती है, जो कि पिछले वीडियो में हम जान बता चुके हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, एरिया का यूनिट आप पूरे जो है सिक्स सेवेंथ अर्थ नाइन्थ में पढ़ के आए हैं कि मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ये मीटर और ये मीटर देखिए कट गया कैंसिल आउट, तो बचा क्या ओम मीटर, ओम मीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट जो हो गया वो आपका हो गया ओम मीटर। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो भी है रो से, उसको रो से शो करते हैं, और जो है उसके का दूसरा नाम रेजिस्टिविटी होता है, और आप अभी अभी देख लिए कि जो है रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। मैं एक बार और इसको थोड़ा सा शॉर्ट में, देखिए आर प्रोपोर्शनल टू एल हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं, ओम्स लॉ के अनुसार ओम्स लॉ में ये पढ़े हैं, और आर प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए, वन बाई ए का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को कंबाइंड किए तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ये हो गया आर ए इज इक्वल टू रो एल, रो एल, तो रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। देखिए एल ये नीचे चला आएगा, आप लोग पढ़े होंगे रो की वैल्यू निकालना है तो रो से जो मल्टीप्लाई किया हुआ जो आइटम है वो नीचे चला आएगा, तो ये हो गया आपका रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, और
आर का जो यूनिट होता है दैट इज ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर से मीटर देखिए कैंसिल आउट हुआ और बचा क्या, बचा आपका ओम मीटर, ओम मीटर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा यहां पर एक बात और बताते हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और बराबर बताते आ रहा हूं कि क्लास टेंथ में जितने फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़ने हैं, जैसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी क्लास अर्थ में है, जैसे आपका चार्ज, जैसे आपका करंट, जैसे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो भी, और आज देखिए लेंथ, रेजिस्टेंस, एरिया, और एक नया चीज आज मिल गया आपको रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सारा जितना आइटम हम लोग क्लास टेंथ में जानेंगे वो सारा का सारा स्केलर क्वांटिटी है, इसको रट लीजिए आप। इसका मतलब क्या हुआ, बार बार मैं कहूंगा चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। ये क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ दिया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी। तो मेरे कहने का आज रेजिस्टेंस जो पढ़े हम लोग ओम्स लॉ में वो भी स्केलर क्वांटिटी, लेंथ स्केलर क्वांटिटी, एरिया स्केलर क्वांटिटी, और जो रेजिस्टिविटी आज पढ़ रहे वो भी स्केलर क्वांटिटी। मैक्सिमम जो भी आइटम इसमें आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे सब स्केलर क्वांटिटी है। क्लास टेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइटम आपका जो आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं आपको बार बार कहूंगा कि अगर कोई और वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो हम आपको बताएंगे, बट जितना मैंने नाम लिया एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी थे, तो रेजिस्टिविटी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। अब तो क्वेश्चन ये उठा कि रेजिस्टिविटी है क्या, क्योंकि हमने ये जाना कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, लेकिन व्हाट इज रेजिस्टिविटी ये आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या लिखेंगे। इसके लिए मुझे बताना बहुत जरूरी है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। देखिए मैं बार बार आपसे कहूंगा कि सपोज करिए किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उस कंडक्टर को ए 1 मीटर लॉन्ग ले लीजिए, लेंथ उसका है 1 मीटर। मैं बार बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जैसे 1 मीटर लॉन्ग जो है 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर ले लीजिए और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जो सर्कुलर होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, सपोज करिए, तो इट मींस रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू 1/1। इट मींस रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि एपी वर्मा क्या करेंगे, इसी से डेफिनेशन बता देंगे जैसा कि पिछले वीडियो में बताते आए हैं। तो इसका डेफिनेशन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हुआ, देखिए सीधी बात, अगर आप 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर ले लें, देखिए एक कंडक्टर ऐसा लें जो 1 मीटर लेंथ का हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर हो,
उससे जो है जब करंट का फ्लो होगा, उससे करंट का फ्लो होगा तो जितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट होगा, जितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब जितना जितना भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट होगा दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी. इट मींस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. कब, जब कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो. इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर लॉन्ग जो है कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, अगर उससे जो है आप करंट फ्लो करा रहे हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. सीधी सीधी बात, तो ये है रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन. रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन आपको जीवन भर नहीं भूलना चाहिए. फिर मैं एक बार तीसरी बार बताना चाहूंगा कि सपोज करिए आपने 1 मीटर जो है लॉन्ग जो है कंडक्टर लिया है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है. इसका मतलब ये हुआ कि उससे जब करंट का फ्लो कराएंगे आप तो कहीं भाई 1 मीटर जाने में चार्ज को ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा. तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस. और जितना ऑब्स्ट्रक्शन होगा अर्थात जितना रेजिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. देखिए एक चीज यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, रेजिस्टिविटी जो होती है, पहली बात याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं अब, कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है. रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता. आप देखिए मैं बार बार कहूंगा, सपोज करिए आप 1 मीटर लंबा, 100 मीटर लंबा, चाहे जितना मीटर लंबा आप क्या करिए कंडक्टर ले लीजिए, जितनी रेजिस्टिविटी 1 मीटर लेंथ के कंडक्टर का होगा वही 100 मीटर लेंथ के भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी होगा. इसका मतलब रेजिस्टिविटी, बार बार मेरा कहना है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता. और एक बात और, रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करता. आपका कंडक्टर मोटा है, पतला है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, नो की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता, कतई नहीं करता. बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, इसको ध्यान दीजिएगा. जो है जो रेजिस्टिविटी है वो किसी भी शर्त पर न लेंथ पर डिपेंड करता है, न एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, न भी पर डिपेंड करता है, न आई पर डिपेंड करता है. देखिए आप ध्यान दीजिए, मैं बार बार कहूंगा कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. तो बार बार मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो रो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है. और जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है न लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता, न एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता, न वी पर डिपेंड करता, न आई पर डिपेंड करता, सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता. तो अब हमको आपको ये बताना पड़ेगा बेटा कि जो है कहानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में, कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, वो सारा चीज हो गया आपके सामने. रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है वो भी मैंने बता दिया, मतलब आपको हर चीज. अच्छा, रेजिस्टिविटी जो है कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी बता दिया. ठीक है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, वो रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता वो भी बताया गया.